आज पूर्णमासी का महत्व तो और भी बढ़िया के जैसा लेख कहता है, आज के दिन बजरंगबली हनुमान जी का जन्मदिन आज का ही है। हैप्पी बर्थडे उनका आज का ही है। बोल बजरंगबली हनुमान, जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। जैसा हमारे समाज में मान्यता है, चैत की नवमी को तो भगवान रामचंद्र का जन्म दिवस माना जाता है और बैसाख की नवमी को सीता माँ का जन्मदिन माना जाता है और ये पूर्णमासी को, चैत की पूर्णमासी को बजरंगबली हनुमान का जन्मदिन माना जाता है। एक भजन बोले बात यहीं से आज के ही दिन से। बोल बालाजी महाराज की। ओ बोल बालाजी महाराज की जय हो। ओ चैत मास की पूरण मासी माँ आंजनी की कुख फली, अरे मंगल के दिन मंगल करने आए थे बजरंग बली। मंगल के दिन मंगल करने आए थे बजरंग बली। कहते हैं पूर्व जन्म की कथा है और भाई विक्की के घर में अर्जुन भगवान की दया से दूसरा बेटा हुआ है। एक बार इसको भी ताली बजा के बधाई, भगवान खुश रखे, इच्छा के साथ खुल देना। पुंज सथला नाम की अप्सरा थी इंद्रपुरी में, जैसा लेख कहता है। पवन देव का और पुंज सथला का परस्पर आपस में प्रेम था। मतंग ऋषि के शराब से वो पुंज सथला अप्सरा बंदरिया बनी थी और एक राजा जो नाग मुनि के आश्रम में घुसा वहां को विशेष अनुष्ठान चला था, ऋषियों के रोकने से भी वो नहीं मान्या तो वहां श्राप के फल स्वरूप वो राजा वानर बनया है और दोनों को यही कहा कि शंकर भगवान की उपासना करो तुम्हारा श्राप टल जाएगा। कहते हैं उन दोनों ने उपासना करी तो शंकर भगवान ने प्रकट होके कहा कि जाओ तुम्हारा श्राप टलता है, तू तो केसरी नाम से वासुकी महाराज के यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले लेना और तू चली जा कुंजर राज के यहाँ पुत्री के रूप में अंजनी के रूप में जन्म ले लेना। ये शंकर भगवान ने वरदान दिया कि मेरा ग्यारहवां रुद्र अंजनी तेरे गर्भ से पैदा होगा। बोल शंकर भगवान। उसी फल स्वरूप केसरी महाराज की और अंजनी की शादी हुई और आज के ही दिन उनके गर्भ से पुत्र हुआ है। एक कथा और जुड़ती है कि जब अमृत के लिए सागर मंथन किया तो पहली चीज निकली कालकूट विष, जिसको शंकर भगवान ने ग्रहण किया, कंठ में रोक लिया। उस जहर के प्रभाव से शंकर भगवान का कंठ नीला हो गया, वहां से उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव। जय हो। ओ जिक्र है आहा। अमृत खातिर देव और दानव, अमृत खातिर देव और दानव मंदरा चल फिर वाला जी, कालकूट निकला मंथन से शंभू ने अपनाया जी, कालकूट का तेज घना
सोते चली हर मंगल के दिन मंगल करने आए थे पाठशाला में जो भी साथी पहली बार आता है, जो भी नया जुड़ता है, तो हम उसका स्वागत जरूर ही करते हैं। आज चार नए साथी पाठशाला से जुड़े हैं, ये चार पंखे, एक बहन का भी ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। वेलकम है आपका भी, हरिओम, बड़े आनंद से रहना, खूब हवा देना। हरमन तो सांझ का जो लागे पाई या चतुराई किसने करी है, किसने तो करी है, आज से करी है, कल ना थे, आज आज में हुई है चतुराई। बार बार धन्यवाद। दिल्ली से चल गए हमारे मध्य डॉक्टर सुनील वत्स निठारी जी, सतीश पराशर जी उनके साथ, हरिओम, वेलकम डॉक्टर साहब। हम तो डॉक्टर साहब के साथ साथ ही आए थे, डॉक्टर साहब ड्यूटी लगा के गए, खड़े था न्यू के न्यू खड़े था, जिसकी ड्यूटी डॉक्टर साहब ने लगाई, डॉक्टर साहब न्यू के न्यू खड़े था। देखो यमुनानगर से डॉक्टर साहब आए हैं, एक बार ताली बजा, देखो कितनी दूर से चल गए, डॉक्टर साहब प्रणाम। और कैथल से सतीश पाराशर जी आए हैं, धन्यवाद। कहते हैं वो जब कालकूट को शंकर भगवान ने ग्रहण किया तो शरीर में गर्मी बहुत होगी, जिससे शंकर भगवान तंग हुए हैं। हिमालय पर चले गए, पहाड़ों पर चले गए, कहते हैं वहां जब नर्मदा जी पर हम गए तो वहां भी ये कहते हैं कि जब वो कंठ में रोके हुए थे विष को, तो यहाँ मैकाल्य पर्वत है, बोला यहाँ के बैठे तो शिव के पसीने से जो ये नदी बही उसी का नाम नर्मदा पड़ा है, बोल नर्मदा माँ की। जो तंग हुए तो विष्णु जी ने कही भोलेनाथ क्यों कर ठीक हो के बात हो, ने बोला वो मोनी रूप बना, जिस जो मोनी रूप बना के देवताओं को अमृत पिलाया था। विष्णु भगवान ने मोनी रूप बनाया, शिव और विष्णु का मोनी रूप में मिलन हुआ, शंकर भगवान का ओज मृतलोक की ओर चलिया। कहते हैं नाग मुनि का आश्रम बना है, यज्ञ चलिया हुआ है और शिव का ओज आकर उस यज्ञ में गिरा है और आकाशवाणी होती है। क्या कहानी लिखी है, माता जी भी हर महीने आते हैं, सहयोग करते हैं, धन्यवाद। क्या लिखा दूसरी गली में, बण्या आश्रम नाग मुनि का बण्या आश्रम, यज्ञ के मंत्र बुल रे गो, शिव का ओज गिरा अग्नि में, अग्न देवन पकड़िया जो, आकाशवाणी होण लागगी सप्त ऋषि जी करियो गो, अग्नि शांत नहीं होनी अड़े मानस फटके ना कोई, अग्नि शांत नहीं होनी अरे हाथी हा
सरकार देंगे भली। अरे मंगल के दिन मंगल करने आए थे बजरंग मंगल करने आए देवदत्त। ओ बड़ी देर भाई, ओ बड़ी देर भाई, ओ बड़ी देर भाई, ओ बड़ी देर भाई, ओ कबलोगे खबर भोले नाथ, ओ कबलोगे खबर भोले नाथ, ओ चलते चलते सांगवान साहब, इनका भी लगातार सहयोग रहता है, बार बार और सहयोग किया, धन्यवाद है डॉक्टर साहब, सदैव जिनका आशीर्वाद रहता है, सहयोग भी किया है, बार बार धन्यवाद। कहते हैं आकाशवाणी होगी के समय रहते जब इसकी जरूरत पड़ेगी सोच को ले लिया जाएगा। यहाँ ये अग्नि परमानेंट दिन रात शांत नहीं होनी चाहिए, और सप्तऋषि अपने काम का जुट गए, दिन रात वो अग्नि बुझी नहीं। समय आया तो पवन देव ने शिव के आदेश से उस यज्ञ से ओज उठाया, उसको सुमेरु वंदना के गर्भ में स्थापित किया है। क्या कहानी है, क्या हो पवन देव ने, समय पया के पवन देव ने यज्ञ से ओज उठाया था, पवन वेग से जोत चली उसे सुमेरु पहुंचाया था, जोत गर्भ के बीच समाई अंजनी भाग सवाया था, सैत महीना पूरण मासी मंगल का दिन आया था, बने आराध्य राम तेरे, इस
सकल युग के देव तुम्ही हो, जगह जगह पदाम तेरे, विकास पहा सोरयाला सेवक भजनगढ़ सुबह शाम तेरे, विकास पहा सोरयाला सेवक भजनगढ़ सुबह शाम तेरे। ओए बाल रूप में काम तेरे, तने तोड़ दिए फल फूल कली, अरे मंगल के दिन मंगल करने आए थे बजरंग। मंगल भवन मंगल करबहू सुदश रथ आचरे बिहार, राम सिया राम जय जय राम, बोलिए बालाजी महाराज जय हो।